लखीमपुर की सदर कोतवाली पुलिस ने 20 लाख की हीरोइन के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कासगंज और बदायूं के रहने वाले दोनों अभियुक्त रिश्ते में साले बहनोई हैं। पुलिस अधीक्षक पूनम ने इस संबंध में बताया कि ये अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से जो चेकिंग का अभियान चल रहा था उसी में दो अभियुक्त शब्बू पुत्र अली दराज जो कि बदायूं का रहने वाला है और एक फूल मियां पुत्र चमन मियां है जो कि कासगंज का रहने वाला है, यह लगभग 20 लाख रुपए की कीमत के हेरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो पड़ताल में सामने आया है कि ये जो शब्बू है इसकी ससुराल यहाँ कोतवाली सदर में एक गाँव में पड़ती है और वैसे यह बदायूं का रहने वाला है और इसका जीजा है फूल मियां जो कि कासगंज का रहने वाला है। ये दोनों कासगंज के ही जो गांव है नगला वजीर वहां से जो इन्होंने पूछताछ में बताया है दो व्यक्तियों से यह हेरोइन खरीद कर यहां पर लेकर आए थे और उसकी अभी विस्तृत हम पड़ताल कर रहे हैं कि जो और अभियुक्त इन्होंने कासगंज के बताए हैं और पूरा यह गैंग है और वो किस तरीके से ऑपरेट करता था। फिलहाल जो इनको गिरफ्तार करने में हमारी कोतवाली सदर और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम रही है, इनको हमने 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया है। दोनों जो नाम इन्होंने बताए हैं कासगंज जिले के नाम हैं, कासगंज से संपर्क भी किया है और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल वो फरार हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद अन्य भी इन्होंने इस तरीके के जो संगठित रूप से ये चलाते थे उसका पूरा ये और जानकारी होगी कि और कहाँ कहाँ किस जिले में इन्होंने इस तरीके की गतिविधियाँ की हैं और कैसे ये ऑपरेट करते थे। बदायूं से आकर भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस खीरी जिले में हेरोइन की बिक्री के साथ साथ कोई और गुल तो नहीं खिलाया जा रहा, पुलिस इस कनेक्शन की भी तलाश कर रही है। mylakhimpurkhiri.com से संजीव पाहवा। दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोज़।